आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में एक नया कोर्स शाम के 8 बजे एक नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और इसमें हर टॉपिक को हम बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये हमारा पहला लेवल है और हमें नहीं पता आपको पहले से कितना एक्सेल आता है। आता है तो कौन सा ऑप्शंस को आप कितना जानते हैं, इसलिए हम आपको हर टॉपिक को बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे। हम पहले उसकी बेसिक पढ़ाएंगे, देन हम उसको एडवांस पढ़ाएंगे। बेसिक टू एडवांस हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल का यूज के बारे में, कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑफिस में किस किस चीजों के लिए यूज करते हैं। अगर किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज यूज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपके पास एक सटीक इंफॉर्मेटिक डेफिनेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी उस पर कोई कमेंट ना कर सके। तो जैसे कि मेरा रिसर्च कहता है कि हम लोग एक्सेल का यूज सबसे पहले करते हैं डेटा स्टोरेज या डेटा एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं कह सकते, क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करता है। एक्सेल नॉट ए डेटाबेस, फिर भी हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन सा डेटा? तो कई तरह के डेटा स्टोर होता है। पहला होता है आपका स्मॉल एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का डेटा, जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं या छोटे मोटे उद्यमी हैं, इनके पास डेटा ज्यादा नहीं होता है, 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000 का डेटा होता है। तो वो लोग डेटा के लिए एक्सेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना इतनी नॉलेज होती है कि वो एसक्यूएल, ओरेकल, सैप ऐसे डेटाबेस को यूज कर सके, ना उनके पास इतना बजट होता है कि उनको मेंटेन कर सके। तो उन लोगों के लिए एक्सेल बहुत अच्छी चीज है, आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है आपका मिसलेनियस डेटा। अब मान लीजिए कि आप ऑलरेडी एक्सेल यूज ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे डेटा बेसिस है, जैसे कि कोई कुछ कंपनी ओरेकल यूज करती है, कुछ कंपनी सैप यूज करती है, कुछ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करती है। तो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डेटा यूज होता है, डेटाबेस यूज होता है, फिर भी वो एक्सेल इस्तेमाल करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। क्यों? एनालिसिस डेटा, जैसे आप कोई रिपोर्ट आप बनाने जा रहे हो, किसी डेटा को एनालिसिस करने जा रहे हो, किसी डेटा पे समरी क्रिएट करने जा रहे हो, या कोई इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? सॉरी सर, मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था जी। तो हम बात कर रहे थे कि हम डेटा एक्सेल को डेटा एंट्री या डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। पहला एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेटा डेटा स्टोर करने के लिए। दूसरा स्टोर होता है मिसलेनियस, कि कंपनी में से मान लीजिए आप अकाउंटिंग के लिए टैली यूज कर रहे हो, फिर भी आप जो आपके पेटी कैश है या छोटे मोटे खर्चे का रिकॉर्ड है, उसके लिए आप टैली में लेजर नहीं बनाओगे, उसका डेटा उसकी डेटा जो है आप क्या रखेंगे? उसकी डेटा एक्सेल पे मोस्टली लोग रखते हैं। उस तरह से एनालिटिक डेटा, जैसे कि आपको किसी डेटा को एनालिसिस करना है, कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई समरी बनाना है, तो ऐसे डेटाबेस की जो डेटाबेस होती है उनकी डेटा के लिए हम एक एक्सेल में डेटा को होल्ड करते हैं, फिर उस पे हम एनालिसिस को बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएंगे, जाइए जैसे कस्टमर सेल्स डैशबोर्ड है हमारा, एक रिपोर्ट हमने बनाई हुई है, मान लीजिए कि ये रिपोर्ट हमने बनाई हुई है, तो इसके लिए मुझे डेटा को अपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके एक्सेल पे स्टोर करना पड़ा है, तब जाके हम डेटा बना पाए। उसी तरह से डेटा स्टोरेज के लिए जरूरत होती है डेटा एंट्री। दूसरा आता है, बात होती है
कैलकुलेशंस के लिए। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे चीजें का कैलकुलेशंस के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, आपको अगर सैलरी की कैलकुलेशन करनी हो तो भी हम यूज करते हैं, मोस्टली लोग एक्सेल यूज करते हैं। इंसेंटिव कैलकुलेट करनी हो तो, क्योंकि कैलकुलेशन एक्सेल में सिंपल ही है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह की कैलकुलेशन होती है। एक तो कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास इनबिल्ट फॉर्मूला है, जस्ट लाइक सम, काउंट, वीलुकअप, एचलुकअप, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूले है। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम इस पे अपनी मैथमेटिकल सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल सिंबल से बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन, मान लीजिए आपको कैप रेट निकालना है, आपको ग्रोथ निकालना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस निकालनी है जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला है नहीं है, है तो आपके वो नियमों पे नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, तो आपका एक्सेल का दूसरा यूज होता है, वो होता है कैलकुलेशन। तीसरा यूज होता है एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बोलते हैं, पीपीटी इस्तेमाल करते हैं। ये हम एक्सेल के जरिए रिप्रेजेंट क्यों करेंगे? देखिए, किसी रिपोर्ट को, किसी डायनेमिक रिपोर्ट को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए एक्सेल ही परफेक्ट है। अब परफेक्ट क्यों है, चलिए इसके लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकेशन पे जाते, जैसे मान लीजिए मेरा मैन्युफैक्चरर रिपोर्ट ही है, सेल्स परफॉर्मेंस को ही लेता हूँ मैं, चलिए ये रहा हमारा सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का फायदा क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे अपना ईयर चेंज करूंगा, मेरा पूरा रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मान लीजिए मुझे दो, यहाँ पे मैंने 2 साल का रिपोर्ट बनाया हुआ है, तो पीपीटी में मुझे 2 फाइल बनाने पड़ेगी, क्योंकि पीपीटी में हम इस तरह की ड्रॉप बॉक्स नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए मंथली रिपोर्ट भी है, मैंने अगस्त को सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे देखिए अगस्त का रिपोर्ट है, और मुझे पीपीटी में इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे इसके लिए 12 टेम्पलेट, 12 स्लाइड क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्लाइड में एक ही मंथ का आएगा ना सर, हो सकता है एक पूरा मंथ का आना है, कुछ मंथ के कुछ पार्ट का ही है। ठीक है, तो इसलिए हम रिपोर्ट जो बनाते हैं वो डेटा एनालिसिस के लिए, तो कि हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर हमने यहां पे देखिए एनालिसिस किया हुआ है, एनालिसिस विद इन मंथ है। जैसे कि यहां पे हमने सितंबर को सेलेक्ट किया तो मेरा पूरा सेल सितंबर 2012 के अकॉर्डिंग है। अब देखिए टोटल सेल कितना है, 1,14,558 है, और यहां पे बोल रहा है कि 0%, मतलब कि ये 392 क्वांटिटी कम है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब कि 2011 के अकॉर्डिंग। अगर 2011 में आप सिलेक्ट करो तो आप यहां देखेंगे 2011 में 1,15,250 क्वांटिटी सेल हुई थी, तो 392 जो है कम है। ऐसे ही देखिए -3% कम है, -2% कम है,
यहां से एनालिसिस है, अब यहां पे देखिए ये 5% ग्रोथ है इसका, तो पूरा मुझे यही पे कंपेयरिंग दिख जाता है एवरी मंथ और प्रीवियस सेल के, प्रीवियस ईयर के मंथ के अकॉर्डिंग। वैसे मैं यहाँ पे ईयरली मंथली सेल्स का प्रोग्रेस देख सकता हूँ कि अप्रैल 2012 से लेके सितंबर 2012 तक का क्या सेल है, और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट का क्या सेल है, उस सेल का क्या ट्रेंड है। लास्ट ईयर देखिए दिख रहा है लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर क्या सेल चल रहा था और इस ईयर क्या सेल है हर रीजन का। ऐसे रीजन वन का है, ऐसे यहाँ पे रीजन टू का है, रीजन टू के अकॉर्डिंग है। ऐसे आपका रीजन थ्री, रीजन फोर, रीजन फाइव, जितने भी रीजन्स हैं उस रीजन्स के अकॉर्डिंग है। टीम में वाइज देखना है तो हम यहाँ पे टीम वाइज भी देख सकते हैं। तो इस तरह की डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल को, ताकि हम सही तरीके से एनालिसिस कर सकें। और लास्ट जो चौथा होता है वो होता है शेयरिंग। अब शेयरिंग क्यों, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये सही तरीके से नहीं हो तो फिर एक्सेल उतना पॉपुलर नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए टैबलो, और हमारे पास पावर बीआई भी है। अब पावर बीआई में हम जो ये जो रिपोर्ट अभी आपके सामने हमने दिखाया है, इस रिपोर्ट को मैं बनाने बैठूं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा मुझे बनाने में। लेकिन उसी तरह की रिपोर्ट पावर बीआई या टैबलू में 5 से 10 मिनट में बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, अब पॉपुलर धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि इंटरनेट वगैरह ज्यादा हो गई, इसलिए क्योंकि पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि इस पावर बीआई की रिपोर्ट या टैबलू की रिपोर्ट खोलने के लिए खाए तो आपको पावर बीआई का ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप उस रिपोर्ट को देख पाएंगे, या फिर पीडीएफ में। पीडीएफ में डायनेमिक नहीं होगा, और पावर बीआई की सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करेंगे तभी आप उसकी रिपोर्ट को डायनेमिक की देख सकते हैं, या फिर टैबलो की। लेकिन हमारे एक्सेल में ऐसा नहीं है। अगर रिपोर्ट हमने बनाई और रिपोर्ट बनाने के बाद अगर मैंने आपको भेज दी तो आप इस रिपोर्ट को खुद यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल सब किसी के पास, मोस्टली लोगों के पास होता है। अगर किसी के पास एक्सेल नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको जैसे ये देखिए रिपोर्ट हमने भेजा, मुझे एक्सेल पे नहीं खोलना है तो मैं क्लिक करूंगा और इसको गूगल सीट पे खोल लूंगा। हालांकि गूगल सीट पे भी बहुत अच्छे अच्छे चीज है सर, मैं गूगल सीट की भी ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन एक्सेल की कंपेयरिंग में अच्छे अच्छे चीज है। पहले उतना गूगल सीट पॉपुलर नहीं था, क्योंकि पॉपुलर ना होने का रीजन था कि उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, बट इसमें अपने जावा की प्रोग्रामिंग कर दी है तो इसमें एक्सेल के जैसे ही फीचर आ गया है। सारे फीचर्स तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली फीचर आ गया। कुछ अच्छे फीचर्स भी है गूगल सीट में, जैसे कि करेंसी लैंग कन्वर्ट करना, लैंग्वेज में हिंदी से इंग्लिश करना, करेंसी को कन्वर्ट करना, ये चीजें इसमें है गूगल सीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम बोल दे सकते हैं कि डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन और रिपोर्ट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सेल सीट को। तो ये जो हमने बताया ये अब मेरी खुद की रिसर्च बताती है कि एक्सेल का यूज इन चीजों के लिए किया जाता है। अब एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में सीख लीजिए कि आर्किटेक्चर क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे इसकी एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में। देखिए एक्सेल पे जो हमने आपको बताया कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी चीज है। क्यों, क्योंकि यहां हम एक सेल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने 20 + 30 को सम करना है तो हम इजीली सम कर सकते हैं, बट बाकी डेटाबेस पे नहीं होता है। आप एक्सेस ले लीजिए, आप सीक्वल ले लीजिए, ओरेकल ले लीजिए, तो कैलकुलेशन विथ इन कॉलन होता है, ना कि एक पर्टिकुलर सीट पे। तो कैलकुलेशन करेगा तो कॉलन के बीच में करेगा, एक पर्टिकुलर सीट पे नहीं करेगा। समझे सर? हेलो, जी
समझ में आ गया। जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि इस पे अगर मान लीजिए कि हमने कुछ एरिया है और इसमें हमने कुछ पे मान लीजिए सम वगैरह कर दिया हुआ है, मुझे इस पे प्लस 20 कर दिया, तो प्लस 20 करके इजिली मैंने ड्रैग कर लिया। हमने क्या किया, हमने बोला कि 85 प्लस 20 और फिर इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो एक्सेल में खासियत एक होती है, कोई भी फॉर्मूला लीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये नीचे अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा आपकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये जो आपका A3 है या A2 है, A2 क्या है आपका, A2 आपका सेल का एड्रेस है, A कॉलन एंड 2 नंबर रो। तो A2 प्लस 20 मतलब कि A2 में 20 नहीं कर रहा है, A2 की वैल्यू प्लस 20, तो ये आपका रेफरेंस इसको कहते हैं प्लस 20 हो गया। जब नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो A2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, A3 हो जाता है, और अगर आपने ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो ये डिक्रीज हो जाएगा, A2 A1 हो जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ये चारों तरफ से होता है, अगर आगे पीछे करते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो रो, अगर ऊपर से नीचे करते हैं तो रो इंक्रीज डिक्रीज होता है, और आगे पीछे करते हैं तो आपका कॉलम इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो इसका बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास 1 लाख से ऊपर का डेटा है, आपको फॉर्मूला 1 पे लगाना है, बाकी ड्रैग कर दीजिए, बाकी नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि मान लीजिए मुझे D20 पे 20 रखा हुआ है और मुझे फिर इसमें प्लस D20 करना है, ओके। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये ड्रैग नहीं होगा। ड्रैग ना होने का रीजन क्या है? ड्रैग होगा मतलब कि आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि आपका D1 तो फिक्स है। जब नीचे ड्रैग करेंगे तो A2 आपका A3 हो जाएगा, तो D1 भी आपका D2 हो जाएगा, बट यहां पे मेरा D1 फिक्स होना चाहिए क्योंकि D1 हमारा फिक्स वैल्यू है। तो यहां पे अगर मैं ड्रैग नहीं कर पाऊंगा तो मुझे मैनुअली सब पे एक एक करके A3 प्लस D1 A4 प्लस D1 करना पड़ेगा। अगर 1 लाख का डेटा है तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि मुझे रो को फ्रीज करना है तो रो के आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे। हमने रो के आगे डॉलर का साइन लगा दिया और नीचे तक ड्रैग किया तो आपने देखा कि नीचे तक ये आ गया A5। देखिए यहां पे D1 फिक्स है हर में। कुलदीप जी समझ में आ रहा है आपको? D1 सब में फिक्स आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी। लेकिन इसमें सिर्फ हमने रो के आगे, मैं नंबर के आगे डॉलर लगाया क्योंकि मैं रो फिक्स करना था। अगर मैं मान लीजिए लेफ्ट टू राइट ड्रैग करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका D1 E1 हो गया, क्योंकि हमें D के आगे कोई डॉलर साइन नहीं लगाया था। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको ड्रैग कहाँ करना है, डॉलर साइन आगे पीछे लगा सकते हैं, कि रो को फ्रीज करना है या कॉलम को करना है, या कॉलम रो दोनों को करना है या कॉलम को करना है, वो आपके सिचुएशन, आपके फॉर्मूला, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप डॉलर का साइन उसी हिसाब से लगा लीजिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सेल की हेल्प के बारे में। देखिए अभी मैं आपको हर चीज के बारे में समझा रहा हूं, लेकिन हमेशा वो याद रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना है, इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो एक स्मॉल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इजली एक्सपोर्ट ट्रेन एंड पैटर्न इन इन योर डेटा यूजिंग बार्स कलर्स एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट इंपोर्टेंट वैल्यूज। अगर समझ में आया तो ठीक है ना, बदला टेल मी मोर पे क्लिक करें, आपका एक्सेल हेल्प खुल के चला आएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर एक्सेल हेल्प नहीं क्यों? क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो गूगल पे सर्च करते हैं ना सर अभी जी। जी। लेकिन गूगल पे जो चीजें आप सर्च करते हो वो आपको 100% प्रूफ रीडिंग के साथ मिले इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग वहां पे डालते हैं।
गया। जी इसलिए वहां पे 100% आपको प्रूफ रीड मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए एक्सेल हेल्प पे एक्सेल करें, क्योंकि एक्सेल हेल्प में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो 100% प्रूफ रीड है, क्योंकि यहां पे उसने डाला है माइक्रोसॉफ्ट का एक यूजर मैनुअल कह सकते हैं कि एक्सेल का यूजर मैनुअल है। समझ गए? एक्सेल का जी यूजर मैनुअल है। ऐसे कुछ और भी सर्च करना हो तो आप F1 प्रेस कर लें, या फिर सर्च बार में जाएं। अच्छा, जैसे मान लो मुझे लिमिट पता करना है, LIMITS लिमिट्स हमने सर्च कर दिया, एक्सेलिफिकेशन से लिमिट्स दिख गए, यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे एक्सेल के सारे लिमिट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जी वो ऊपर हुए सर्च बार में जाए या फिर अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें। सही है। जैसे मुझे यहां पे मान लीजिए शॉर्टकट सर्च करना है, तो मैं यहां पे शॉर्टकट दिया, शॉर्टकट एंटर मारा, तो यहां पे देखिए आपके सामने क्रिएट द शॉर्टकट या एक्सेल शॉर्ट कीबोर्ड शॉर्टकट एक्सेल आ गया। जनरली आप लोग पूछते हैं शॉर्टकट के बारे में सर, तो इस पे क्लिक कीजिए, आपके सारे शॉर्टकट दिख जाएंगे। सही है सही है। अब यहां पे आप अपने हिसाब से शॉर्टकट को रट्टा मारने से याद नहीं होगा, लेकिन हाँ इसको कैजुअली पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग लिमिटेशन को पढ़ लीजिए, ठीक है? ये डॉलर का एक बार बताना, पहले कब लगाते हैं और बाद में कब लगाते हैं? ये क्या देखिए, जो रो डॉलर जो लगाया ना रो को फ्रीज फ्रीज। कर, आपको रो को फ्रीज करना है तो रो के आगे लगा देंगे, कॉलम को फ्रीज जी करना है तो कॉलम के आगे लगा देंगे, ठीक ठीक है सर। है ना? तो जिसके आगे आपको करना है उसके हिसाब से लगा दीजिए, हो गया, ठीक है जी। ठीक है ना? समझ आ गया आपको सर? तो प्लीज आप लोग सर एक्सेल की सेटिंग्स को पढ़िए, एक्सेल की लिमिट्स को एक बार पढ़ लीजिए, फिर कल हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। हम मेनू बार से कोर्स के स्टार्ट करेंगे, हम फाइल पहले आपको फाइल मेनू बार को एक्सप्लेन करेंगे, देन होम को, देन इंसर्ट को, पेज लेआउट को, फॉर्मूला, ऐसे वन बाय वन सारे के सारे फिल आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट। नाइट। Unit 717 50 503
करवाना है।